क़ुर्बे क़यामत इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, बल्कि क़यामत की एक बड़ी निशानी है इमाम मेहदी का ज़हूर होना। और हदीस मुबारका में आपकी ज़हूर की अलामतें, आपके ज़हूर होने की चंद अलामतें भी का ज़िक्र किया गया है। उनमें से कुछ मखसूस हदीसें आपको मैं बताऊंगा। और जो तुर्की में एक शख्स ने दावा किया इमाम मेहदी होने का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हज़रत इमाम मेहदी 40 साल की उम्र में इमाम मेहदी बनकर ज़ाहिर होंगे और आप मदीने मुनव्वरा से आएंगे और मक्का मुकर्रमा में आएंगे। काबे शरीफ बैतुल्ला के पास आपसे लोग बैत करेंगे। और दुनिया में चार ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने पूरी कायनात पर, पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, और पांचवें ये बादशाह ऐसे होंगे जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी के आने के बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ वक्त के बाद आएंगे, और इमाम मेहदी दुनिया में तकरीबन 7 से 9 साल तक रहेंगे। उनके साथ जो 70,000 आपके साथी होंगे, आप उनके साथ मिलकर कुस्तुन दुनिया को फतह करेंगे, और उसके बाद दज्जाल से भी आप मुकाबला करेंगे। साथ ही साथ में दज्जाल से मुकाबला करने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आपकी मदद करेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आपके आपके ज़ाहिर होने के कुछ वक्त के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे, और फिर आप दोनों मिलके उस दज्जाल नामी फितने को कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बहुत बड़ी एक जमात होगी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ऐसा दुनिया का आलम होगा कि दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाले बहुत कम लोग रह जाएंगे। जितने भी नेक लोग होंगे वो काबा की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ हिजरत कर जाएंगे, और दुनिया में बहुत ज़्यादा गुमराही हो जाएगी। फिर उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर हो, तमाम लोगों को सीधे रास्ते पर चलाएँगे। और ये जो हज़रत इमाम मेहदी हैं, ये सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह की औलाद में से होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो मेरी या मेरे घर वालों की औलाद में से होंगे, यानी मेरी औलाद होंगे, और हज़रत इमाम मेहदी हसनी हुसैनी सैयद होंगे। ये हज़रत इमाम मेहदी जो होंगे सैयद होंगे, और ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ये पांचवें बादशाह ऐसे होंगे जो पूरी कायनात पर जिनकी हुकूमत होगी। और फिर इनके आने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर दज्जाल आएगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल करके आप दोनों मिल करके दज्जाल का खात्मा करेंगे। अभी हाल ही में एक ने तुर्की में एक जगह पर एक शख्स ने दावा किया कि मैं इमाम मेहदी हूँ। उसने ऐलान किया कि मैं ही इमाम मेहदी हूँ, जो क़ुर्बे क़यामत निकलेगा वो मैं ही हूँ। तो बाज लोगों ने उसकी बातों में भी आ गए, लेकिन जो है बहुत सारे लोगों ने इस बात को झुठला दिया, क्योंकि हुजूर के फरमान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, यानी हुजूर के वालिद का जो नाम अब्दुल्ला है वही हज़रत इमाम मेहदी के भी वालिद का नाम होगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो मेरी माँ का नाम है इसी तरीके से उनकी माँ का नाम भी आमिना होगा। और हज़रत इमाम मेहदी